असीं सारे दर्शकों का निघा स्वागत करते हैं। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल दे विच शुद्ध देसी रोमांस हिंदी फिल्म लैके आए हुए इस फिल्म के डायरैक्टर मुनीश शर्मा जी दे नाल करदे हां सी इक गलबात। सबसे पहले मुनीश जी स्वागत है प्रोग्राम। थैंक यू। सो टोरंटो में आप ये अपनी फिल्म लेके आए हो, बड़ी पसंद की जा रही है लोगों की तरफ से, दर्शकों ने इसको सराहा है, क्या बताना चाहते हैं इस मूवी के बारे में सबसे पहले? एक्चुअली मूवी में बताना नहीं चाहते हैं, जो नया कुछ हमारे यहाँ हमारे एटलीस्ट नौजवान लोगों के बीच में जो जिस तरह की सोच चल रही है वो दिखाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नई बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो नयापन अब आ गया है उसको एक सच्चाई के साथ दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यश राज फिल्म्स की ये प्रोडक्शन है और यश चोपड़ा जी का एक बड़ा नाम रहा है बॉलीवुड में, उनकी जो सोच, जो कहानी बताने का उनका स्टाइल था, उसको किस तरह से आपने इस पिक्चर में साथ लिया? जी देखिए, यश जी जिस तरह से अपनी पिक्चरें बनाते थे, हम तो अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते उनसे, बिकॉज ही इज़ ट्रूली अ लेजेंड। एंड उनके सामने मतलब मैं अपना काम या किसी का भी काम कंपेयर करूँगा वो तो जायज़ भी नहीं है, बिकॉज उनसे कंपेयर ही नहीं कर सकते हम। बट मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि शायद एक ऐसी सिमिलैरिटी ज़रूर होगी कि यश जी ने अपने फिल्म मेकिंग करियर के दौरान, जो बहुत ही लंबा करियर है, उसमें हमेशा बहुत प्रोग्रेसिव किस्म की फिल्में बनाई हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पे बात करी है जो नहीं करते थे लोग, भले ही वो सब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप को लेके बात हो या हमारे कल्चर में कुछ चीज़ें जो पनपती हैं उसको उसको क्वेश्चन किया हो या नए ढंग से दर्शाया हो, तो उस सेंस में शायद एक सिमिलैरिटी मान सकते हैं कि शायद ये फिल्म नए ज़माने की, नई सोच की है, और उनकी ज़्यादातर फिल्में नई सोच की होती थी। तो आज भारत से बाहर एक ऑडियंस बहुत बड़ी भारत की फिल्मों की बन गई है, उनके टेस्ट का इस फिल्म में आपने कैसे ख्याल रखा? मैंने फिल्म में सिर्फ स्क्रिप्ट पे जो था उसी का ख्याल रखा। मैं मुझे नहीं लगता कि सबके टेस्ट को सोच के मतलब फिल्म अगर अपनी ही एक रेलेवेंस रखती हो, कहानी और किरदार, तो लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे देश के हों या किसी और देश में रह रहे हों, या फॉर दैट मैटर ज़रूरी नहीं हो हमारे कल्चर के भी हों, फिल्म की अपनी भाषा होती है। इट्स लाइक जैसे म्यूज़िक पेंटिंग फिल्मों की अपनी भाषा होती है। मुझे नहीं लगता कि ये सोच के बनाई जाती हैं फिल्में कि दिल्ली के लोग कैसा फील करेंगे और टोरंटो में कैसा करेंगे और मेलबोर्न में कैसा करेंगे। एटलीस्ट इस फिल्म में तो ऐसा नहीं सोच के बनाया गया है। फिल्म अपने आप में एक सच्चाई दिखा रही है, जो बस उस सच्चाई की तरफ जितना हम ऑनेस्ट हो सकते हैं वो हमने करने की कोशिश करी है। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस पिक्चर को लाने का आपका मकसद क्या था? मकसद पहली बात तो मकसद मेरा नहीं, मेरे प्रोड्यूसर्स का ज़्यादा है, पर आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि ये जिसको लोग बॉलीवुड बोलते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही एक नई किस्म का एक्सपीरियंस है ये फिल्म। इनफैक्ट अगर मैं ये बोल सकूँ कि आम तौर पे जिस तरह की यंग रोमांटिक कॉमेडीज़ आती हैं उनसे बहुत ज़्यादा हटके है। अच्छा। और उनसे बहुत ज़्यादा एक नया एक्सपीरियंस लेके आती है, तो वो हम ग्लोबली शेयर करना चाहते हैं, और उस वजह से अब ये टोरंटो आई हुई है फिल्म। और ये शुद्ध देसी रोमांस पिक्चर में जो सबसे अच्छी चीज़ आपको लग रही है वो कौन सी है? मुझे शुद्ध देसी रोमांस की सबसे अच्छी चीज़ उसमें जो हमारे राइटर हैं जयदीप सानी, उन्होंने जिस सच्चाई के साथ ये, मुझे उसकी सच्चाई बहुत अच्छी लगती है उसकी थॉट के पीछे। शायद पिछले कई सालों में हमारी सोसाइटी में रोमांस को लेके, प्यार को लेके, सोच को लेके चीज़ें बदल गई और कोई देख नहीं रहा था, तो उन्होंने ये बात बिल्कुल उस पर फोकस करके सामने खोल के रख दी है कि जी अब ज़माना बदल गया है। तो उसमें बहुत ही हिम्मत और बहुत ही सच्चाई के साथ उन्होंने किया है, जो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज़ है इस पिक्चर।
ਇਹ ਹਨ ਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕਨਾਡਾ ਕੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਿਲਮੋਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਯਸ਼ਰਾਜ ਫਿਲਮਸ ਕੀ ਜਬ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੋ ਦਰਸ਼ਕੋਂ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਅਖੀਰ ਮੇਂ ਆਪ ਉਨਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਬਸ ਯੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੋ ਯੇ ਫਿਲਮ ਅਗਰ ਦੇਖਨੇ ਆਏ ਤੋ जिस तरह से यशराज फिल्म्स की रोमांटिक फिल्मों से एक उम्मीद रखी जाती है उससे बहुत हटके होगी, बट आई होप आप उसको उतना ही सराहें जितना बाकी यशराज फिल्म की रोमांटिक फिल्मों को सराहा है अभी तक। सो जितनी यहाँ पे स्क्रीनिंग इस पिक्चर्स की हो गई हैं उससे आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइमिंग है हमारे लिए, हम अभी टोरंटो आए हैं फिल्म दिखाने के लिए, बट बाकी कई जगह ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है एंड हमें बहुत अच्छे अभी तक रिस्पांस आया है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, लोगों को पसंद आ रही है पिक्चर। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग और इस टाइम पे आके एक नई जगह पे नए लोगों को दिखाते हुए और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। ठीक है जी, मनीष जी आपने समा निकाला, प्रोग्राम आए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो जी फिर इस दिन ये प्रोग्राम समाप्त है, सत श्री अकाल।